हाय नमस्ते, मैं हूँ जी। मेरे चैनल में आप सभी लोग एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। या आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज जो मैं रीडिंग आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो बिल्कुल नया टॉपिक है, जहाँ पर आप लोगों को करना है इमोजी चूज। हम में से बहुत सारे लोग, मैं बोल सकती हूँ 99% लोग, जब भी बातें करते हैं इमोजी का बहुत इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इमोजीज़ को हम इस्तेमाल करके अपनी मन की जो बात है, अपनी मन की जो बेसिकली मैं बोल सकती हूँ फीलिंग्स, उसके द्वारा हम जाहिर करते हैं, राइट। सो आज हम देखने वाले हैं कि आप कौन से इमोजी चूज़ करते हो एंड उसके बेसिस पे आपकी जो मन की बात है वो क्या आती है, आप बेसिकली क्या चाहते हो, आपके लिए क्या निकलता है, ठीक है। ये मैं जानने की आज कोशिश करूंगी। एंड ऑल्सो आप अगर चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, वहां पर मैं लाइव आती हूँ पर्सनल क्वेश्चन के आंसर देने। रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहूंगी, ये जनरल बेसिस के रीडिंग है और जनरल रीडिंग में आपको देखना है आपके साथ रेजोनेट कितना करता है। जब भी कोई वीडियो आप देख रहे हो वहाँ पर शायद आपके साथ इतना ही मैच हुआ तो उतना ही लेनी चाहिए, क्योंकि वो जनरल होती है, बहुत सारे लोग देखते हैं। तो इसीलिए मैं आपको पहले से बता देती हूँ, ओपन माइंड रखना, ठीक है। एंड नेक्स्ट थिंग इज, अभी स्क्रीन पे आप देखोगे कि चार इमोजी आएगी और उन चार इमोजी में आपको एक इमोजी को चूज करना है, आप किस इमोजी से सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो, ठीक है। ये देखना है ना कि ये देखना है कि आपको कौन सा पसंद है, ये देखना है कि आप किस इमोजी से सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो एंड उसको चूज कर लेना है। नीचे टाइम स्टैम्प मैंने दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाकर डायरेक्ट अपनी रीडिंग देख सकते हैं। तो चलिए, थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होने वाली है, मुझे भी नहीं पता कि क्या आने वाली है, क्या होने वाली है। देख लेते हैं कि आप जो इमोजी चूज करते हो उसके बेसिस पे क्या आती है, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाय, अगर आपने इमोजी 1 को चूज किया है तो देख लेते हैं आपके लिए क्या आता है। तो सबसे पहले तो मैं कार्ड्स निकालूंगी, आप लोगों के लिए कार्ड्स देखूंगी डेफिनेटली, लेकिन उससे पहले मेरी कुछ हैंडमेड चिप्स है तो इसके द्वारा भी मैं जानने की कोशिश करूंगी आपके लिए क्या आता है। तो प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए पाइल 1 के लिए क्या आता है। थैंक यू। ओके, तो आपके लिए ये सारे चिट्स आया हुआ है तो इसको रख देते हैं साइड पे, ठीक है, लास्ट में देखूंगी। ओके, चलिए एक कार्ड आ गई है एंड अभी देख लेंगे इस डेक से आपके लिए क्या आता है। अगर आपको लगे कि आपको कोई हेल्प हो रहा है तो आप थैंक यू यूनिवर्स को बताना, ठीक है, क्योंकि ये वही आपको दे रहे हैं मैसेजेस, मैं तो सिर्फ एक जरिया हूँ। ओके, ठीक है, तो कार्ड्स मैंने ऑलरेडी निकाल लिया है तो इसको रख देते हैं यहाँ पर। अभी चिट से स्टार्ट करते हैं क्या आता है। बिगिनिंग्स, ओके, सभी चिट्स देख लेते हैं उसके बाद। वो कार्ड, जस्ट हियर योर इंट्यूशन, डेफिनेटली लाइक इट्स टाइम टू टेक एक्शन। What more? Next few days and the last one is it's time to take action. Oh my goodness. तो यहाँ पर देखिए दो कार्ड ही आया हुआ है, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। तो मुझे यहाँ पर जो दिख रहा है अभी तक कि आप लोग कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहते हो, आप लोग अपने लाइफ को एक नए ट्रैक पे ले जाना चाहते हो, आप लोग अपने लाइफ को सुधारना चाहते हो, उसके लिए बहुत कुछ लोग हार्डवर्क कर रहे हो, कुछ लोग सिचुएशन को बेसिकली मैं देख रही हूँ कि बदलना चाहते हो, ठीक है, कुछ लोग न्यू स्टार्ट करना चाहते हो, न्यू बिजनेस करना चाहते हो या फिर कुछ भी न्यू करने का मन है आप लोग की लाइफ में, ठीक है, वो न्यू रिलेशनशिप भी हो सकती है, ठीक है, न्यू सिरे से कुछ स्टार्ट करना, शादी करना भी एक न्यू लाइफ में आप एंटर हो रहे हो तो शादी का भी मन में हो सकती है डेफिनेटली। उसके बाद मैं यहाँ पर जो देख पा रही हूँ कि आपको भी ज़रूरत है अपनी इंट्यूशन को सुनने की, शायद कुछ लोग अपनी इंट्यूशन की मतलब मन की बात सुन रहे हो और कुछ लोग शायद नहीं सुन रहे हो,
और आप जो काम करना चाहते हो, जो भी चीज़ आपके मन में घूम रही है ना कि क्या होने वाला है, क्या होगा, या फिर ये चीज़ होगा कि नहीं होगा, करूँ कि ना करूँ, ये जो एक अगर थिंकिंग आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन है, ठीक है, कोई काम को लेकर कोई भी कन्फ्यूजन है, तो वहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं डेफिनेटली होगा, उस चीज़ को लेकर कंफ्यूज मत हो, क्योंकि यहाँ पर देखिए दो कार्ड आया हुआ है जो कि कह रहा है कि इट्स टाइम टू टेक एक्शन, यानी कि यही टाइम है जहाँ पर आपको एक्शन लेना चाहिए, आपको आगे बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट फ्यू डेज में शायद आप कुछ एक्शन लेने का सोच सकते हो, ठीक है, या फिर नेक्स्ट फ्यू डेज में कोई काम आपका हो सकता है जिस काम के लिए आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, ठीक है, आपको कुछ गुड न्यूज़ मिल सकता है। एंड लाइक के साथ मुझे ये चीज़ दिख रहा है, शायद आपको आपको कोई इंसान पसंद हो सकता है, एंड ऑल्सो आपको कोई पसंद कर सकता है, या फिर आप कोई काम करना पसंद कर रहे हो लेकिन डर रहे हो, कंफ्यूज्ड हो, ये भी हो सकती है। तो आपका सिचुएशन क्या है ये आप देख लीजिए कि ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ना बहुत सारे सिचुएशन मुझे दिख रहा है, पर मुझे तो नहीं पता कि यहाँ पर आपकी सिचुएशन क्या होगी, क्योंकि अलग अलग इंसान हो, अलग अलग सिचुएशंस है। तो मैं आपको अगर शॉर्ट में बताऊँ तो अगर आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन है, अगर आप अपने मन की नहीं सुन रहे हो, डर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि ये काम किया जाए ना किया जाए, ये न्यू स्टार्ट किया जाए ना किया जाए, क्या होगा इस इंसान के मन में आखिर आपके लिए प्यार होगा कि नहीं होगा, हाँ वो आपको लाइक करते हैं कि नहीं लाइक करते, इस चीज़ में भी कन्फ्यूजन हो सकती है आपको। तो यहाँ पर मुझे यस मिल रहा है, सारी चीज़ों में ही मुझे यस मिल रहा है। और अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हो अपने लाइफ का, तो अभी डिसीजन ले लो क्योंकि ये सही वक्त है, मुझे यहाँ से ये मैसेजेस मिला। तो यहाँ से देख लेते आपके लिए क्या आया हुआ है। ऑल टाइड अप, ओके, सिचुएशन ऐसी है कि आप फंसे हुए हो, जैसे कि मैंने कहा कि कुछ नहीं समझ पा रहे हो कि क्या किया जाए, कंफ्यूज्ड हो, नहीं समझ पा रहे हो, सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, तो वहां पर आप कर सकते हो अगर आप इंट्यूशन की सुनो तो, ठीक है। उसके बाद ये क्या कार्ड आया हुआ है, प्रेयर एंड कंटेम्पलेशन, ये भी सेम मैसेज दे रही है कि आपको हेवन के साथ कनेक्ट होना है, यानी कि यूनिवर्स को याद करना है, अपने मन की बात सुननी है, प्रेयर करनी है, और ऑल्सो आप अगर मेडिटेशन करोगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी, जो भी आंसर आप चाहते हो, ठीक है, जो भी जानना चाहते हो। अगर कोई काम नहीं हो रहा है तो मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है नेक्स्ट फ्यू डेज में आप क्लियर हो जाओगे, वो काम होगा कि नहीं होगा, वो इंसान आएगा कि नहीं आएगा, नेक्स्ट फ्यू डेज में शायद आप देख सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट फ्यू डेज आया हुआ है। तो मुझे क्या लग रहा है कि अगर आप कोई इंसान को चाहते हो, कोई जॉब चाहते हो, सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हो, बहुत अभी ज़रूरत है कि आप प्रेयर करो, आप यूनिवर्स को याद करो, जितना हो सके पॉजिटिव थिंकिंग को एक्सेप्ट करो, ये मत सोचो कि नहीं होगा, नहीं करना है, शायद ये चीज़ होगा नहीं, ये जो नहीं वाली थिंकिंग है ना, इसको ना मत लाना, क्योंकि मैंने देखा है कि कुछ लोग ऐसे कमेंट्स करके बताते हैं कि आप तो ऐवे ही बता रहे हो ये चीज़ नहीं होगा, तो जी हाँ, अगर आप ऐसा सोच रहे हो ना, आपके साथ नहीं होगा, थिंकिंग ही सब कुछ है यहाँ पर, यूनिवर्स आपको सिर्फ एक बताती है कि अगर आप ऐसे थिंकिंग रखोगे तो आपके साथ ये होने की चांसेस है। अभी ये आपके ऊपर है कि आप किस चीज़ को एक्सेप्ट करोगे, आप सोचोगे कि ये होगा कि ये सोचोगे कि नहीं होगा, ठीक है। मेरे साथ ये बहुत टाइम हुआ है कि कभी कभी, हम सभी इंसान हैं, कुछ चीज़ों में शायद मुझे बहुत स्टकनेस महसूस हो रही है, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ से बाहर निकलूँ, कैसे करूँ, कुछ भी नहीं हो रहा है, बहुत इश्यूज चल रही है। तो तब पता है मैं क्या करती हूँ, तब मैं सोचती हूँ कि निकल जाओगी, कोई बात नहीं है, ये थोड़े टाइम के लिए है, मुझे कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा कि मैं यहाँ से निकल जाऊँगी। बिलीव मी, मैं हर वक्त ये सोचती रहती हूँ, और कहीं ना कहीं से मतलब वो एक मैजिक सा हो जाती है कि हाँ सच में मुझे रास्ता मिल जाती है और मैं वहाँ से निकल जाती हूँ। मुझे बहुत ही, जो ये जो ओल्ड आइडिया आया हुआ है, तो बहुत ज़्यादा अगर मुझे स्ट्रकनेस महसूस होता है, अगर बहुत ज़्यादा मुझे डिप्रेशन में मैं चले जाती हूँ, तो वहाँ पर मैं क्या करती हूँ पता है, सारे काम छोड़ के मैं सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन करती हूँ, और मेडिटेशन जो है एक अलग सा रिलीफ देती है। अगर चीज़ों में आप फंसे हुए हो तो वहाँ से कैसे बाहर निकलना है, शायद आप मेडिटेशन के द्वारा आप जान जाओ, या तो फिर आपको एक मेंटल पीस मिलेगी मेडिटेशन से, ठीक है।
तो मैं आप लोगों को इतनी सारी बातें इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आप शायद बहुत ऐसे सिचुएशन में फंसे हुए हो जहाँ पर आपकी फ्यूचर की नहीं पता कि क्या करूँ क्या ना करूँ, और जो जो मैंने बोला कंफ्यूज्ड हो, तो वहाँ पर आपके लिए सल्यूशन यही है। आप प्रेयर करो, थोड़ी सी पॉजिटिव थिंकिंग रखो, ठीक है, पॉजिटिव सोचो, होगी, बिल्कुल होगी, एंड आप वहाँ से ज़रूर निकल पाओगे, ठीक है। अभी मैं आप लोगों के लिए टैरो से थोड़ी सी देख लेती हूँ ताकि और भी मुझे क्लैरिटी मिले कि आपकी सिचुएशन आखिर क्या बता रही है। टैरो से वो मुझे पूरी तरीके से दिख जाएगी। थैंक यू इमुजी वन, जिन्होंने भी चूज़ किया है, प्लीज़ यूनिवर्स इन लोगों के लिए मुझे कार्ड दीजिए। इनकी सिचुएशन क्या है? बहुत कुछ दिमाग में चल रही है आप लोगों की, ये चीज़ तो मैं साफ साफ देख पा रही हूँ, बहुत कुछ चल रही है। बट डोंट वरी, आप निकल जाओगे। आप यहाँ पर देखो, आप लोगों के लिए आया हुआ है 8 ऑफ पेंटिकल एंड 9 ऑफ पेंटिकल, ठीक है। तो मुझे इस पाइल के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग ये मैसेज मिल रहा है। शायद आप लोग कहीं ना कहीं अपने फाइनेंस को लेकर चिंता में हो, कुछ लोगों के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मिल रहा है, ठीक है। एंड वही फाइनेंशियल कंडीशन को बेटर करने के लिए आप लोग बहुत हार्डवर्क कर रहे हो, आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हो, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप अपने को फ्री करना चाह अपने आप को फ्री करना चाहते हो। आप चाहते हो कि आप लाइफ में इंडिपेंडेंट बनो, आप कुछ बनो, आप दिखने में सुंदर हो, आप मतलब खुद को सुधारना, ठीक है, खुद की लाइफ को सुधारना। कुछ लोगों के लिए मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि खुद की लाइफ को सुधारने के लिए आप वहाँ पर मेहनत कर रहे हो, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये चीज़ दिख रहा है कि या फाइनेंस पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है और उस चीज को लेकर थोड़ी सी परेशान हो सकती हो। व्हाट मोर, और क्या है इनकी थिंकिंग? थैंक यू, जस्ट गिव मी वन कार्ड प्लीज यूनिवर्स, थैंक यू। ओके, देखिए टेम्परेंस आया हुआ है, द सन आया हुआ है, वही चीज़ यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं। देखिए आपकी फ्यूचर बहुत ब्राइट है, ठीक है। जो लोग भी करियर को लेकर जानना चाहते हो, हाँ कुछ लोग अगर प्रेग्नेंट होना चाहते हो, कंसीव करना चाहते हो, उन लोगों के लिए भी ये बहुत गुड न्यूज़ एक आ सकती है नेक्स्ट फ्यू डेज के अंदर, ठीक है। तो उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छी एक बात है कि अगर आपको कंसीव करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, कुछ डिफ़िकल्टीज आ रही है, सो वहाँ पर आपको गुड न्यूज़ मिल सकता है। एंड ऑल्सो मुझे यहाँ पर जो दिख रहा है टेम्परेंस के साथ कि आपको ना धैर्य बनाकर रखनी है, अभी जो सिचुएशन है उसमें आपको बहुत ज़रूरत है कि आप पेशेंस बरकरार रखिए, ठीक है, क्योंकि आपको पेशेंस की ज़रूरत है इस सिचुएशन में। जैसे हार्डवर्क कर रहे हो, करते जाओ। बॉटम से देख लेते हैं, 10 स्टार, विश फुलफिल होगा आपका, जो भी विश है ना। मैंने विश फुलफिल बोला और 12th 12th मुझे दिखा, तो 12th 12th बताती है कि आप जो हार्डवर्क कर रहे हो बहुत जल्द आपको उसका फल मिलता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो बिल्कुल आपके लिए मैं बोल सकती हूँ कि आप लोग बहुत जल्द देख पाओगे अपने हार्डवर्क का फल पाते हुए। करते जाओ, ठीक है, नेगेटिव मत सोचो और सिर्फ आगे बढ़ते जाओ। अच्छा रुको, और कुछ कार्ड्स देख लेती हूँ क्या आती है आप लोगों के लिए। व्हाट मोर, मेरी वीडियो से अगर मदद मिले तो जरूर यूनिवर्स को थैंक यू बोलना, या फिर आप जिनको मानते हो उनको थैंक यू बोलना, ठीक है। ये जो थैंक यू बोलते हो ना, ये चैनलाइज हो जाती है और आपकी जो काम है वो और भी ज्यादा होने की चांसेस हो जाती है। इसीलिए मैं बोलती हूँ थैंक यू बोलो, वरना मुझे क्या। बी प्रैक्टिकल, ओके, देखो इमोशनल इस टाइम पे अगर आप इमोशनल हो जाओ और काम के बीच में इमोशन को लाओगे तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगी आपकी। अगर थिंकिंग कुछ भी चीज़ को लेकर, ठीक है, कुछ भी चीज़ को लेकर आपकी थिंकिंग अगर ज़्यादा इमोशन में बह रहे हो तो वहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है कि थोड़ी सी प्रैक्टिकली सोचो, ठीक है, आपको प्रैक्टिकली सोचने की ज़रूरत है। ये प्रैक्टिकली प्रैक्टिकल थिंकिंग आपको रखने की अभी बहुत ज़रूरत है और इमोशंस में मत बहा करो इस टाइम में। बेसिकली गिफ्ट्स, देखिए मुझे ये गिफ्ट्स के तौर पे ना मुझे कुछ ना कुछ ये वाइब आ रही है कि
यूनिवर्स आपको कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं बहुत ही जल्द, ठीक है? तो उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो जाइए और थिंकिंग वैसे रखिए कि हाँ जी मैं रेडी हूँ यूनिवर्स, आप जो भी मुझे देना चाहते हो मैं रेडी हूँ, आप थैंक यू सो मच, आप ऐसे थिंकिंग रखो, ठीक है? ये गिफ्ट्स के तौर पे मुझे वही सुनाई दे रहा है कि एक बच्चा, ठीक है, चाइल्ड आ रही है। व्हाट मूड, तो बहुत सारे हैं। ओके, कुछ लोग फॉरेन कंट्रीज में जॉब करने की सोच सकते हो, उसके लिए हार्ड वर्क कर रहे हो, फॉरेन कंट्रीज में ट्रैवल कर सकते हो, ऐसे थिंकिंग हो सकती है, या तो फिर आप फॉरेन कंट्रीज से हो, ये भी हो सकती है, ठीक है? वॉइस, ओके, तो आप अगर बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि आप अपने अंदर एक बहुत हैवी सा महसूस कर रहे हो, तो आप जिनको विश्वास करते हो उनके साथ आप शेयर कर सकते हो, तो आपके मन हल्का हो सकती है। अगर कोई नहीं है आपके लाइफ में ऐसा जिसको आप ट्रस्ट कर सकते हो, वैसे तो मॉम डैड होते हैं लेकिन कुछ बातें होती है कि हम उन्हें भी नहीं बता सकते, तो वैसा अगर कुछ है तो आप गॉड से शेयर करो, आप जिनको मानते हो उनके साथ ही बातें करो ना, आप करके देखो। ये थोड़ी सी सुनने में आपको अजीब लग सकती है लेकिन सच में आप अगर करके देखो उसके बाद आपको कितना लाइट फील होता है आपको खुद पता चल जाएगी, ठीक है? क्योंकि मैं जो भी चीज़ यहाँ पर आपको बोलती हूँ ना, मैंने खुद किया हुआ है और वहाँ से मैंने रिजल्ट पाया हुआ है, और इसीलिए मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि ये करो, ठीक है? तो अब तो आपके ऊपर है, आपको करना है नहीं करना है क्या करना है, मैंने आपको बोलना था बोल दिया, अब आपके ऊपर है, ठीक है? तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग, आई होप आप लोग को पसंद आई, कुछ हेल्प हुई। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय। हाय, अगर आपने मुझे 2 को चूज़ किया है तो ये रीडिंग है आपके लिए, चलिए देख लेते हैं। ये मेरे हैंडमेड शीट्स है, सबसे पहले तो मैं यहाँ से देखूंगी, उसके बाद मैं कार्ड रीड करूँगी, ठीक है? यहाँ से क्या आती है, प्लीज़ यूनिवर्स जिन लोगों ने भी इमोजी 2 को चूज़ किया है उनके लिए बताइए। ओके, व्हाट मोर, और थोड़ी सी कार्ड चाहिए मुझे। बहुत सारे आ गए। ओके, इसको ना लास्ट में देखूंगी, सबसे पहले तो मैं कार्ड शफल कर लेती हूँ एंड देख लेती हूँ आपके यहाँ से क्या आती है, ठीक है? सिचुएशन क्या बता रही है, आपके सल्यूशन मैं क्या दे सकती हूँ, एंड ऑल्सो कीप इन ओपन माइंड, ये जनरल है, जो आपके साथ रेजोनेट करे सिर्फ वही लेना है, ऐसा एक्सपेक्ट मत करना सारी चीजें आपसे रेजोनेट कर जाए, अगर यूनिवर्स चाहे तो कर सकती है। ओहो, ये तो ओपन हो चुका है, जो टू रोमांस, ओके, फिफ्थ चक्र, ओके, बॉटम से आया हुआ था, यहाँ से देख लेते हैं। आप लोग चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, एक्चुअली मैं ना वहाँ पर लाइव आती हूँ तो मैं आप लोगों के पर्सनल क्वेश्चन के आंसर दे पाती हूँ वहाँ पर, अगर आप फॉलो करो तो, ठीक है? या तो चलिए देख लेते हैं चिट्स क्या आती है। ट्रू लव, ओके, तो इस फाइल के लिए मुझे स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है कि आप लोग कहीं ना कहीं लव को लेकर बहुत जानना चाहते हो, ठीक है? लव को लेकर आपके मन में है क्वेश्चंस। रिसीव अ कॉल, ओके, नो कॉन्टेक्ट में हो सकते हो, डेफिनेटली मुझे देखनी है और भी ज़्यादा, रुको। डे ड्रीमिंग, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, फीलिंग लोनली, अकेला पा रहे हो, बिल्कुल यहाँ पर नो कॉन्टेक्ट में हो, मिस यू, मिस कर रहे हो अपने पार्टनर को, ट्रू फीलिंग्स है उनके लिए, एंड बहुत दर्द में हो, हर्ट। कनेक्शन, ओके, तो बिल्कुल ये तो कन्फर्मेशन है कि ये लव रीडिंग्स के लिए आप देखना चाहते हो, डोंट स्टॉप, ओके, थिंकिंग को बंद ही नहीं कर पा रहे हो और सिर्फ सोचे जा रहे हो, इट्स टाइम टू टेक एक्शन, कुछ एक्शन लेने की सोच रहे हो, या फिर लो कि ना लो ये सोच रहे हो, या फिर उस तरफ से कोई एक्शन आए इसका एक्सपेक्ट कर रहे हो। रिकवरी सिचुएशन, ओके, पहले देख लेती हूँ, 24/7 सोच रहे हो, थिंकिंग एंड ओवर थिंकिंग, डे ड्रीमिंग यानी कि दिन में भी सोच रहे हो, लाइक
इस इंसान को शायद आप लाइक भी करते हो। और डोर टू रोमांस मेजर नंबर 33, तो मुझे लग रहा है आप लोग बहुत ज़्यादा 3333 देख रहे हो, ठीक है, कुछ लोगों के लिए। एंड ऑल्सो यहाँ पर ओके ये कार्ड भी देख लेती हूँ। ओ माई गुडनेस, ओके तो ये है फेजेस एंड साइकिल। तो एक साइकिल में आप फंसे हुए हो मुझे यहाँ पर जो दिख रहा है, ठीक है, जहाँ पर आप चाहते हो शायद किसी ट्रू लव से मिलना, ठीक है, या तो फिर आप पूरी तरीके से सिंगल हो, आप किसी से मिलना चाहते हो, या तो फिर ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पर आप नो कॉन्टैक्ट में हो और आप चाहते हो उनके तरफ से कोई कॉल आए, मैसेज आए, आप मैसेज रिसीव करो, ऐसी थिंकिंग आपकी है। और अगर ऐसा नहीं है तो आप किसी इंसान को बहुत पसंद करते हो क्योंकि यहाँ पर लाइक आया हुआ है एंड ऑल्सो इट्स टाइम टू टेक एक्शन, तो उनकी तरफ आप एक्शन लो कि ना लो ये सोच रहे हो या तो फिर एक्शन लेने का सोच रहे हो, ठीक है, उनके बारे में थिंकिंग स्टॉप नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आप उनके लिए बहुत डीप इमोशंस में देख पा रही हूँ। यहाँ पर सारी मैसेजेस ना लव की मिल रही है, अगर कुछ और मैसेजेस मिलती तो मैं आपको बता देती, बट यहाँ पर मैसेजेस कुछ लोगों के लिए हो सकती है कि देयर इज अ बिगिनिंग विद इन एवरी एंडिंग, शायद आप लोगों के लाइफ में कुछ एंड होकर एक न्यू शुरुआत हो रही है, ठीक है, कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, शायद वो सिचुएशन एंड होकर एक न्यू शुरुआत आप अपने लाइफ में करना चाहते हो या तो फिर बहुत जल्द हो जाएगी। किसी की तरफ से रिसीवर कॉल के साथ मुझे ये चीज़ दिख रहा है, किसी की तरफ से आप कॉल रिसीव कर सकते हो, अगर आप जॉब या करियर के लिए सोच रहे हो, आपके मन में वो चीज़ है, ठीक है, या तो फिर आप किसी कॉन्ट्रैक्ट या किसी भी चीज़ के लिए अगर आप वेट कर रहे हो, तो वेटिंग एनर्जी अगर है आपकी तो वहां पर मैं देख पा रही हूँ कि आप किसी न किसी से वहां से कॉल रिसीव कर सकते हो, ठीक है, वहां से कॉल रिसीव कर सकते हो, ये चीज मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। उसके बाद आपके मन में कुछ इल्यूजन सा है, कन्फ्यूजन सा है, उसको ना निकालो, उसको उसकी जरूरत यहाँ पर नहीं है, ठीक है, कन्फ्यूजन की जगह यहाँ पर नहीं है, उसको निकालो। ओके और क्या है, ओह माय गुडनेस, यहाँ पर डेफिनेटली आप लोग किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए, कहीं पर ट्रैवल करने के लिए, किसी के साथ बात करने के लिए, डेट पे जाने के लिए, कुछ ना कुछ चीज़ के लिए डेफिनेटली वेट कर रहे हो, ये 110% मेरी गारंटी है। ये पाइल जिन लोगों ने चूज़ किया है उन लोगों के लिए, और जस्टिस चाहते हो, कुछ लीगल इश्यूज में कुछ लोग फंसे हुए रह सकते हो, ठीक है, लीगली आप लोग बहुत टाइम से फंसे हुए हो और वो कोर्ट कचहरी के आप लोग चक्कर काट रहे हो, ठीक है, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, ठीक है, कुछ मामला चल रहे है डिवोर्स के बेसिस पे, कुछ लोग हो सकते हैं कि डिवोर्स के लिए अप्लाई करो, ये थिंकिंग हो सकती है, ठीक है, और या मुझे यहाँ पर वो चीज़ दिख रहा है, बहुत ज़रूरत है बैलेंस की, तो वहाँ पर जस्टिस होने वाली है, बहुत टाइम से जो चाहते हो ना बेसिकली मैं देख पा रही हूँ वो हो जाएगी, ठीक है, बहुत टाइम से जो चाहते थे, ठीक है, वो चीज़ हो जाएगी, डोंट वरी, उप्स, ओके, बहुत सारे थे इसलिए मैंने नहीं लिया। तो टावर कार्ड है, तो एक बहुत बड़ी चेंजेस आ रही है आपके लाइफ में, ठीक है, आप ट्रांसफॉर्मेशन दिखोगे अपने लाइफ में, या तो फिर कुछ एंड होके न्यू स्टार्ट होगा, या तो फिर आपके लिए अगर वो चीज़ सही है तो वो इंसान आपके लाइफ में वापस आ जाएगी, वो जॉब आप पा सकते हो, ये भी हो सकते हैं, लेकिन फ्रैंकली अगर मैं बताऊँ यहाँ पर ज़्यादातर मुझे लव एंड रिलेशन के लिए ही दिख रहा है, ठीक है। व्हाट मोर, जो लोग यहाँ पर बहुत डिप्रेस्ड है, बहुत सोच रहे हो, अकेला पा रहे हो खुद को, बेसिकली उन लोगों के लिए है, क्या है, चलिए, फोर ऑफ रॉड्स एंड रिवर्स, कुछ लोग शादी को लेकर बहुत परेशान हो सकते हो, किसी के साथ शादी करना चाहते हो लेकिन कर नहीं पा रहे हो, ओके, ये क्या आया हुआ है, टू ऑफ कप्स, ट्विन फ्लेम सोलमेट, देखिए तो यहाँ पर ट्विन फ्लेम सोलमेट जो होती है ना, उनकी जर्नी थोड़ी सी ऐसी होती है, ठीक है, उनको बहुत सारे साइकिल्स में से गुजरना पड़ता है, तो शायद आप वही साइकिल में फंसे हुए, क्या है, सही हो, तो शायद आप वही साइकिल में ना फंसे हुए हो, मुझे यहाँ पर जो दिख रहा है, ठीक है, आप लोग मुझे बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर जो मैसेज आ रही है, आप लोग ट्विन फ्लेम हो, देखिए यहाँ से बॉटम से टावर आया हुआ है, तो चेंजेस आ रही है आप लोग के लाइफ में, बहुत टाइम से आपने इस कनेक्शन के लिए, कोई कनेक्शन के लिए, किसी को पसंद करते हो और उनके साथ आप चाहते हो आगे बढ़ना,
तो वहाँ पर मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है कि आप उनके साथ आगे बढ़ोगे। एक साइकिल कंप्लीट होने वाली है, ठीक है? आप एक साइकिल में बहुत टाइम से फंसे हुए थे, आपने जितना सहना था आपने सह लिया, अब आगे तो जस्टिस सुनाई जाएगी गॉड की तरफ से, ठीक है? किसी की तरफ से बहुत ही जल्द आप बात कॉल रिसीव कर सकते हो या फिर मैसेज रिसीव कर सकते हो। किसी को जानते हो अगर उनकी किसी को अगर जानते हो और ये आपकी पुराना पार्टनर है, एक्स है, या फिर इनके पास आपके नंबर है तो कॉल रिसीव कर सकते हो। या तो फिर आप अगर इनके साथ सोशल मीडिया पर आपने मुलाकात किया है तो वहाँ से मैसेज रिसीव कर सकते हो, ठीक है? यहाँ से आया हुआ है लॉयल हार्ट एंड ग्रोथ। देखिए, इस रिश्ते में ज़रूर ग्रोथ है, मुझे ग्रोथ दिख रहा है। इन फ्यूचर ये रिश्ता आगे जाएगी और लॉयल हार्ट आप भी हो और वो भी इंसान है। आपकी तरफ कनेक्शन को लेकर मैं बोल रही हूँ, ठीक है? अब कुछ लोग होते हैं कि अपने दिल की बात आसानी से नहीं कहते हैं, तो क्या किया जा सकता है? समय के साथ आपको वेट करनी है, क्योंकि जस्टिस आया हुआ है तो अब गॉड की जस्टिस सुनी जाएगी। होम 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 होम, तो होम से या पर या होम से मुझे जो मैसेज मिल रहा है, डेफिनेटली आप लोग शादीशुदा कुछ लोग यहाँ पर हो सकते हो, ठीक है? होम से यहाँ पर जो स्ट्रांग मैसेज मुझे मिल रहा है, बिल्कुल शादीशुदा हो सकते हो। और डिवोर्स आप लोग या फिर करना चाहते हो या फिर नहीं करना चाहते हो। आपकी सिचुएशन ऐसी आ गई है कि शायद डिवोर्स तक पहुंच चुकी है और उसको लेकर आप इतना ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो, ठीक है? कुछ लोग छुटकारा पाना चाहते हो, कुछ लोग अपने लाइफ की न्यू शुरुआत करना चाहते हो। जो भी चाहते हो मैं यहाँ पर बोल सकती हूँ, आप जो भी चाहते हो, आपके मन में जो भी चीज़ है ना वो हो जाएगी, ठीक है? क्योंकि जस्टिस आया हुआ है तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आप जो भी चाहते हो गॉड की जजमेंट होगी एंड आप जो चाहते हो वही होगा। ओके, आपके लिए मैं ये सारी मैसेजेस यहाँ से पिक कर रही हूँ और या जो जो मुझे मिला मैंने बोल दिया है। और देख लेती हूँ कुछ मैसेज मिल रहा है कि नहीं। ये आपके सिचुएशन फुल मून के टाइम पे हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, ठीक है? या तो यही थी आप लोगों के लिए। आई होप मैं आपको कुछ क्लैरिटी दे पाई हूँ, आप लोगों की हेल्प हुई है तो यूनिवर्स को थैंक करना। और मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हाय, अगर आपने थर्ड इमोजी को चूज किया है तो ये रीडिंग है आपके लिए। सबसे पहले तो मैं देख लूंगी कि मेरे हैंड में चिट से क्या आती है, उसके बाद मैं देखूंगी कि कार्ड से क्या आती है। तो यूनिवर्स प्लीज मुझे जो भी पाइल 3, जिन लोगों ने चूज़ किया है इमोजी 3, जिन लोगों ने चूज़ किया है उनके लिए कार्ड्स दीजिए। थैंक यू। आई थिंक एनफ है। चलिए इसको ना लास्ट में देखो। उप्स, सॉरी, इसको लास्ट में देखूंगी। सबसे पहले यहाँ से कार्ड ले लेती हूँ, ठीक है? क्या आती है पाइल 3 के लिए? प्लीज बस मुझे एक कार्ड दीजिए फॉर पाइल 3। ओके, थैंक यू। बॉटम से द थिंकिंग मैन। थैंक यू। ओके, मैं इंस्टाग्राम में हूँ, अगर चाहो तो मुझे वहाँ पर फॉलो कर सकते हो। मैं ना वहाँ पर लाइव आती हूँ, ठीक है? आप लोगों के लिए आती हूँ वहाँ पर, ताकि आप लोग अपने पर्सनल क्वेश्चन कर पाओ और मैं आंसर दे पाऊँ, ठीक है? ओके, चलिए अभी देख लेते हैं क्या आया हुआ है आपके लिए। ओके, जस्ट हियर योर इंट्यूशन। ओके, नो मैटर वेडिंग। हेलो देयर, लाइक, लव, ओके, बी ऑप्टिमिस्टिक, आई एम सॉरी, एंड लास्ट वन इज एक्सपीरियंस। ओके, ये कार्ड क्या है? डोंट टू वैल्यू एंसेस्टर स्पिरिट्स। ओके, मुझे यहाँ पर बहुत सारे मैसेजेस मिल रहा है, मैं एक एक करके बताती हूँ। आप अपना सिचुएशन देख लो, ठीक है? क्या है एंड वही चीज, कीप इन ओपन माइंड, जनरल है, ठीक है? ओके,
मुझे फर्स्ट जो चीज यहाँ से जो स्ट्रॉन्ग मैसेज मिल रहा है वो है, कुछ लोग कोई इंसान से शादी करना चाहते हो, आपको सिर्फ उस इंसान से ही शादी करनी है। मुझे यहाँ पर एक वो जिद्दी वाइब आ रही है। कुछ लोगों के लिए ये काम भी हो सकती है कि आपको वही काम करनी है, वही पर जाना है, इस इंसान से ही शादी करनी है, एक जिद्दी सा वाइब मैं बोल सकती हूँ, ठीक है। कुछ लोगों के यहाँ पर बिल्कुल शादी के लिए आप वेट कर रहे हो या फिर शादी करने की सोच सकते हो। बहुत स्ट्रांग चांसेस है आप जिनको पसंद करते हो या फिर लव करते हो उनके साथ शादी करो, ठीक है। आपको ना अपनी इंट्यूशन की सुननी चाहिए शादी के मामले में। आपको कहीं ना कहीं मुझे जो यहाँ पर स्ट्रांग मैसेज मिल रहा है, आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी चाहिए। आपके मन क्या कह रहा है, सही है गलत है, जिद में आकर कुछ डिसीजन मत लेना, ओके। फिर नेक्स्ट है कुछ लोग जो कि लव के लिए देख रहे हैं, लाइक भी है लव भी है, तो कुछ लोग इस इंसान को शायद लाइक करते हो कोई इंसान को या लव करते हो, तो उनके साथ नो कॉन्टैक्ट में हो और आप लोग उनके साथ बातें करना चाहते हो, उनके तरफ से कोई मैसेजेस रिसीव कर सकते हो, ठीक है। मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहा है, बी ऑप्टिमिस्टिक। आप लोग बहुत ही आशावादी इंसान हो, ऐसे ही हार नहीं मान लेते हो, ठीक है। मुझे यहाँ पर दिख रहा है अगर आप हार मान रहे हो तो हार नहीं माननी है, ठीक है, सिचुएशन में आई एम सॉरी। तो किसी से अपोलोजी आप रिसीव कर सकते हो, किसी ने आपके साथ गलत किया है, आपको छोड़ के चली गई है या फिर चीट किया है आपको, ये हो सकती है। आप जहाँ पर काम करते हो वहाँ पर भी कुछ लोग ऐसा हो सकते हैं जिन्होंने आपके साथ गलत किया है, वो लोग भी सॉरी मांग सकते हैं। कोई ना कोई इंसान आपसे सॉरी मांग सकता है अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है तो। आपको लगता है आपके लाइफ में आपने बहुत कुछ एक्सपीरियंस ऑलरेडी कर लिया है, मुझे यहाँ पर वो चीज़ दिख रहा है, ठीक है। आप अपनी फैमिली की बहुत रिस्पेक्ट करते हो एंड फैमिली को लेकर भी कुछ लोग परेशान हो सकते हो, ये भी हो सकती है, और फैमिली बनाना चाहते हो और इसीलिए परेशान हो, ओके, बढ़ाना भी चाहते हो। और जो पैटर्न एक था ना जहाँ पर एक कुछ लोगों के लिए, मुझे यहाँ पर कल्चरल इश्यूज लग रही है कि शादी करना चाहते हो लेकिन कल्चरल इश्यूज की वजह से घर वाले नहीं मान रही है, ये कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है। एंड डोट टू वैल्यू के साथ मुझे ये चीज़ दिख रहा है, कुछ लोग मनी को, मनी रिलेटेड कुछ जॉब करना चाहते हो जहाँ पर आपको एक्सपीरियंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और एक्सपीरियंस की वजह से आपको शायद वो जॉब नहीं मिल रहा है, एंड या तो फिर आपने बहुत एक्सपीरियंस गैदर कर लिया है, अब आप जो जॉब करना चाहते हो आपको मिल सकती है, ठीक है। कुछ लोग डेफिनेटली यहाँ पर मुझे जो स्ट्रांग मैसेज मिल रहा है, आप लोग पैसों को लेकर देख रहे हो, ठीक है, मनी को, मनी रिलेटेड, कैरियर रिलेटेड कुछ लोग डेफिनेटली देख रहे हो। तो वहाँ पर ना मुझे आपको जो गाइडेंस देनी है वो है, आप थोड़ी सी और एक्सपीरियंस गैदर करो, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी आपने कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने नहीं किया है तो आपको थोड़ी सी और सीखने की और एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये मैसेजेस तो मुझे यहाँ से मिला, देख लेते हैं टैरो क्या बताती है, और भी मुझे क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है ना। द वर्ल्ड, कहीं पर ट्रैवल करना चाहते हो, जैसे कि मैंने कहा एक साइकिल में आप खुद को बंधा हुआ पा रहे थे, तो वहाँ से शायद आप पैटर्न हील करके बाहर निकलना चाहते हो, ठीक है। एक साइकिल में फंसे हुए थे तो खुद को अभी हील करके वहाँ से बाहर निकलना चाहते हो, वो हो सकती है कि आप किसी रिलीजियन कास्ट प्रॉब्लम की वजह से फंसे हुए हो, काम नहीं कर पा रहे हो, कुछ तो ऐसी बात है जहाँ पर आप फंसे हुए हो और वहाँ से निकल नहीं पा रहे थे, लेकिन मुझे दिख रहा है कि बहुत जल्द निकल जाओगे, ठीक है। किसी के ऑफर की बहुत वेट कर रहे हो, या तो फिर किसी को ऑफर देने की या तो फिर किसी की ऑफर की, ठीक है, ये भी चीज दिख रहा है। व्हाट मोर, जस्ट गिव मी वन कार्ड प्लीज, थैंक यू। और क्या है, ओके, टेन ऑफ स्वर्ड्स, या जैसे आप लोग फील कर रहे हो जैसे सब कुछ खत्म हो चुका है, अब कुछ नहीं बचा है, जैसे होता है ना कि शरीर तो है लेकिन आत्मा नहीं काम कर रही है, ऐसा कुछ कि सोच विचार सारी कुछ खत्म हो चुका है, नहीं पता क्या करना है, कुछ समझ में नहीं आ रही है, नहीं पता आखिर होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, ठीक है। तो
तो वहां पर कंप्लीशन मुझे दिख रहा है। देखिए द वर्ल्ड भी कहती है कि एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है और टेन ऑफ स्वर्ड्स भी कंप्लीशन की बात करती है। तो अगर किसी साइकिल में बहुत प्रॉब्लम्स में फंसे हुए थे वहां से निकल सकते हो, एक न्यू बिगिनिंग की तरफ जा रहे हो, क्योंकि द फूल वही चीज बताती है, ठीक है। नो मैटर व्हाट, इसीलिए आपके लिए नो मैटर आया हुआ है यहाँ पर, क्योंकि आपकी थिंकिंग अभी होने वाली है नो मैटर व्हाट, मुझे सिर्फ आगे बढ़नी है, करनी है बस, मुझे और कुछ नहीं सुनना है। मैंने जैसा सबसे पहले कहा कि जिद्दी, एक जिद्दीपन शायद आप में आ जाएगी। शायद आप लोग बहुत टाइम से ऐसे फंसे हुए रह के ना फ्रस्ट्रेटेड फील कर सकते हो, ठीक है, वो चीज हो सकती है कुछ लोगों के लिए। देख लेते यहाँ से क्या आता है। रुको रुको रुको, इतना सारा नहीं चाहिए, थैंक यू। ओके, यहाँ पर एक गिरा है, तो वहाँ पर कॉन्टैक्ट्स, किसी से कॉन्टैक्ट करना चाहते हो। स्वीट एंड काइंड, आप लोग बहुत स्वीट एंड काइंड हार्टेड पर्सन हो, वो चीज है। व्हाट मोर, ओके, प्लेफुल एनर्जी में रहने वाले हो। अभी आपको सिर्फ लाइफ में जॉय चाहिए और जॉय आने भी वाली है, क्योंकि आप आगे बढ़ने वाले हो, पीछे मुड़कर नहीं देख रहे हो। ब्लाइंड, जैसा कि अभी की सिचुएशन है, ब्लाइंड फुल एनर्जी, आपको नहीं पता कि क्या किया जाए, कैसे आगे बढ़ा जाए, तो बहुत जल्द इस साइकिल से निकलने वाले हो, ठीक है। आपको सारी कुछ समझ में आ जाएगी, आप अपनी इंट्यूशन के सुनने वाले हो, जो भी चाहते हो, किसी से कॉल रिसीव करना, शादी करना, अपने लाइफ में आगे बढ़ना, सारे कुछ आप करोगे बहुत ही जल्द, मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आप खुद के लिए खुद डिसीजन लोगे, ठीक है। आप अगर ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पर आपको नहीं समझ में आ रही है, लेकिन बहुत जल्द आप ऐसे सिचुएशन में जाने वाले हो, ऐसे टाइम आने वाली है आपके लाइफ में जहाँ पर आपको कुछ ना कुछ तो ऐसा दिखेगा कि आप लोग डिसीजन लोगे कि आपको अपने लाइफ में आगे बढ़नी है, और नो मैटर व्हाट, जस्ट आपको जिद पकड़नी है और आगे बढ़ना है। आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिएगा तो आपको वो रास्ता मिल जाएगी, ठीक है। मुझे यहाँ पर वो क्लियर मैसेजेस मिल रही है, ठीक है। किसी से कॉल रिसीव करने की, अगर कॉन्टैक्ट करने की सोच रहे हो तो कर सकते हो, उनसे आप लोग रिसीव कर सकते हो कॉल या फिर मैसेज, ये भी है, ओके। किसी से अपोलोजी, अगर आप सोच रहे हो कि वो आपको आकर सॉरी बोले, तो वो भी मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर होगा। तो ये सारे मैसेजेस मुझे यहाँ पर से मिल रहा है। आई होप मैं आपको कुछ क्लैरिटी दे पाई हूँ, तो यूनिवर्स को थैंक करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय। हाय, अगर आपने लास्ट पाइल यानी कि पाइल इमोजी को चूज किया है, लास्ट इमोजी को चूज किया है, सो ये रीडिंग है आपके लिए। तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए क्या आता है। सबसे पहले तो मैं देख लूँगी कि मेरे हैंडमेड कार्ड से क्या आती है, यूनिवर्स क्या देते हैं, उसके बाद कार्ड से देख लूँगी, ठीक है। उप्स, आपके लिए तो बहुत सारे कार्ड एक साथ गिर गए हैं। चलो देख लेते हैं क्या आया हुआ है, कार्ड्स निकाल लूँ, उसके बाद इस डेक से देखूंगी आपके लिए क्या आता है। एनजी ओरेकल, थैंक यू यूनिवर्स, प्लीज गिव मी जस्ट वन कार्ड फॉर इमोजी फोर। दो कार्ड आना चाहते हैं, ले लेती हूँ, एंड इस डेक से देख लेती हूँ क्या आती है आपके लिए। थैंक यू, थैंक यू। अभी इसको रख देते हैं यहाँ पर और देख लेते आपके लिए चिट्स क्या आया हुआ है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, ओके। प्रेशर ऑन वर्क, पीसफुल रेजोल्यूशन, टेक टाइम टू ब्रीद आउट, आई एम सॉरी, Forget it, love, I like you, night dreaming, okay, 24/7, true love,
मिस यू। ओ डिवाइन टाइमिंग, हाय डिवाइन टाइमिंग है। ठीक है, क्या है तो क्या मैसेज मिल रहा है मुझे यहाँ से? रुको जरा देखने दो, ये कार्ड्स ओपन कर लेती हूँ। स्ट्रेटेजी, टेंपल पाथ एंड हॉरस। ओके, तो यहाँ से मुझे सबसे पहले जो एक क्लियर मैसेज मिल रहा है वो है, कुछ लोग किसी को पसंद करते हो, किसी से प्यार करते हो, उनके बारे में शायद बहुत सोचते हो। 24/7 मैं बोल सकती हूँ, शायद सपने भी आती है कुछ लोगों की। रात में सपने भी देखते हो, उस इंसान को बहुत मिस कर रहे हो क्योंकि नो कांटेक्ट जोन में हो, और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग यहाँ पर देख पा रही हो। किसी से बात करने की स्ट्रेटजी आप लोग बना सकते हो, ये स्ट्रॉन्ग एक मैसेज है। बहुत प्रेयर कर रहे हो कि बस यूनियन हो जाए, बस बातें हो जाए, बस वापस आ जाए, कुछ रास्ता मिल जाए, ये सारी चीज़। कुछ लोगों ने शायद गलती किया है, या तो फिर आपके साथ किसी ने गलत किया है, तो उसके लिए आप अपोलोजी रिसीव कर सकते हो। सारी चीज़ों को भुलाकर आप आगे बढ़ना चाहते हो बेसिकली। ठीक है, आपको ज़रूरत है इस टाइम पे थोड़ी सी धैर्य रखने की, तो ओवर थिंकिंग नहीं करनी है आपको। ठीक है, ज़्यादा मत सोचिएगा। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप लोगों के ऊपर काम की बहुत प्रेशर है, आप लोग काम को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो। ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसा काम है, घर का काम भी हो सकती है, ठीक है, आप हाउसवाइफ भी हो सकते हो, तो वहाँ पर भी आपको शायद ऐसा काम हो सकती है जहाँ पर आपको थोड़ी सी सांस लेने की भी टाइम नहीं है, बहुत बिजी हो, वहाँ पर भी मैं देख पा रही हूँ। और कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है योर थॉट्स आर मैग्नेटिक, यानी कि आप लोग अभी जिस सिचुएशन में हो ना, बहुत पावरफुल सिचुएशन में हो, पीसफुल रिजोल्यूशन के साथ मुझे ये चीज़ दिख रहा है। आप लोग करके देख सकते हो, जो लोगों ने भी ये पाइल को चूज़ किया है, इमोजी 4 को चूज़ किया है, उनके लिए मैं बताना चाहूँगी कि आप लोगों की अभी जो थिंकिंग है, अगर आप सोचोगे हाँ मैं कर सकती हूँ, हाँ ये इंसान मुझे कांटेक्ट करेगी, ये जो एक थिंकिंग है ना कि हाँ, तो वैसे थिंकिंग अगर आप करोगे तो इस टाइम पे आप उस चीज़ को अट्रैक्ट कर सकते हो, क्योंकि मैनिफेस्टेशंस पावर कहीं ना कहीं आप नोइंगली अननोइंगली किसी किसी के ऊपर कर रहे हो, कोई आपके ऊपर कर रहा है, मुझे नहीं पता, बट मुझे यहाँ पर जो दिख रहा है, कहीं ना कहीं आप अपने काउंटर पर पार्ट के साथ डील कर रहे हो, आप लोग बहुत रिपीटिंग नंबर्स देख रहे हो इस टाइम पे, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग है, तो डेफिनेटली आप अपने काउंटर पार्ट के साथ डील कर रहे हो इस टाइम पे, जो मुझे दिख रहा है। और अगर आप जैसा अभी सोचोगे, अगर आप सोचोगे कि हाँ वो इंसान मुझे सॉरी बोलेगा, तो वो आके आपको बोल देगा। ठीक है, मैं आपको ये क्लियरली बोल रही हूँ, ये अप्लाई करके देख सकते हो। और ऐसे मत सोचना कि हाँ मैम ने बोला है, जुई ने बोला है, तो मैं ऐसा सोचती हूँ और हो जाएगी। उसको मन से, ठीक है, मन से सोचा, हाँ बोलेगा, कॉन्फिडेंटली बोलेगा, बिल्कुल बोलेगा, उसने गलत किया है, वो मुझसे प्यार करता है, वो ज़रूर आएगा। ये जो एक अलग सा कॉन्फिडेंस है अपने में लानी है, और वो चीज़ करके देखनी है, बिल्कुल हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि आपके मैनिफेस्टेशन पावर इस टाइम में बहुत स्ट्रांग है। ओके, कुछ चेंजेस आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, लेकिन वही चीज़ डिवाइन टाइमिंग में, क्योंकि यहाँ पर भी डिवाइन टाइमिंग आया हुआ है, यहाँ पर भी डिवाइन टाइमिंग आया हुआ है, एंड ऑल्सो यहाँ पर भी टेम्पल पाथ आया हुआ है। तो मुझे दोनों चीज़ें कह रही है कि कहीं ना कहीं कोई इंसान बहुत प्रेयर कर रहा है, और कोई इंसान बहुत स्ट्रेटजीज बना रहा है, लाइक कोई इंसान बहुत स्पिरिचुअल है एंड कोई इंसान बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल है, आप दोनों में से। ठीक है, मुझे यहाँ पर डिवाइन फेमिनिन जो भी आप लोग देख रहा है, ठीक है, उन लोगों के लिए दिख रहा है कि आप लोग बहुत स्पिरिचुअल हो, और इसीलिए आप लोगों की मैनिफेस्टेशन काम आएगी, जरूर आएगी। एंड जो लोग भी डिवाइन मास्कुलिन हो, वो लोग स्ट्रेटजीज बना रहे हैं आगे बढ़ने की, बात करने की, कोई एक्शन लेने की। ठीक है, आई होप मैं आपको क्लियर कर पा रही हूँ सिचुएशंस, क्योंकि ये जो पाइल है, इस पाइल के लिए मुझे स्ट्रॉन्ग मैसेज मिल रहा है, आप लोग डिवाइन काउंटर पार्ट हो, ओ माई गुडनेस, और इसीलिए डिवाइन टाइमिंग आया हुआ है, आप लोग की यूनियन डिवाइन टाइमिंग में ही होगा। ठीक है, सो ओवर थिंक ना करें। क्वीन ऑफ कप्स, फेमिनिन एनर्जी, वेट कर रहे हो,
अपने इमोशंस को कंट्रोल में करके बैठे हुए हो, अपने डिवाइन मास्कुलिन के लिए वेट कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप डिवाइन मास्कुलिन हो तो फेमिनिन आपके लिए वेट कर रही है। एस ऑफ कप्स, एक न्यू शुरुआत आप दोनों में होगा, जैसे मैंने कहा, रुको रुको रुको, ओके, फाइव ऑफ स्वर्ड्स, ओके, देखिए यहाँ पर झगड़ा करके कुछ भी नहीं होने वाला है इस सिचुएशन में, ठीक है, लड़ाई झगड़ा करके कोई भी नहीं जीत पाएगा, ये मैं बोल दूँ आपके यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर इमोशन प्रैक्टिकली कुछ भी सोचने की कोई मतलब जगह नहीं है, आपको जो भी सोचना है दिल से सोचना है, जैसा कि मैंने कहा, मुझे साफ साफ दिख रहा है दोनों ही नया शुरुआत चाहते हैं, लेकिन एक बहुत इमोशनल है जो कि डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मास्कुलिन बहुत अपने में दिखा रहा है कि मैं बहुत स्ट्रांग हूं, लेकिन अल्टीमेट कुछ भी नहीं है। मुझे जस्ट फील हो रहा है कि एक आउटकम कार्ड जस्ट मैं निकालूं, उप्स, बहुत सारे हैं, जस्ट वन कार्ड प्लीज, गिव मी जस्ट वन कार्ड, नर्वस, थैंक यू। देखिए टेन ऑफ स्वर्ड्स आया हुआ है जो कि रिवर्स में है, तो मैं बता सकती हूँ सिचुएशन बदलेगी जरूर, ठीक है, और आप लोग इस हालत से बहुत जल्द रिकवर करके निकलने वाले हो, क्योंकि यहाँ पर भी पीसफुल रिजोल्यूशन है, ठीक है, तो इस हालत से बहुत जल्द आप लोग निकल जाओगे, और टेन ऑफ स्वर्ड्स रिवर्स में भी आया हुआ है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर क्या कार्ड आया हुआ है। सबसे पहले तो सीरियस, आप दोनों ही इस रिश्ते को लेकर बहुत ही सीरियस हो, ठीक है, क्योंकि आप लोग डिवाइन फेमिनिन एंड मास्कुलिन हो। उसके बाद आया हुआ है स्ट्रॉन्ग, जैसा कि मैं कह रही थी कि डिवाइन मास्कुलिन बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश कर रहा है, एंड ऑल्सो डिवाइन फेमिनिन दिल ही दिल में अगर आपको महसूस भी हो रहा है कि आप बहुत इमोशन फील कर रहे हो, फिर भी खुद को वो फीलिंग्स को दबे हुए आप लोगों ने रखा हुआ है, ठीक है, एंजॉय, इन्जॉय के साथ मुझे ये चीज़ दिख रहा है, आप लोग जैसा कि मैंने कहा कि आप लोग किसी को महसूस नहीं होने दे रहे हो, और बहुत जल्द ऐसा टाइम आने वाला है जहाँ पर आप दोनों की यूनियन हो जाएगी, ठीक है, वही चीज़ मुझे इन्जॉयमेंट दिख रहा है। और कुछ लोगों की अगर काम की प्रेशर रह रही है, ठीक है, आप लोग काम को लेकर ज़्यादा ओवरथिंक ना कीजिए, उसको नॉर्मली डील कीजिए, ठीक है, नॉर्मली आप डील कीजिए उसके साथ, जैसा कि आप थिंकिंग को थोड़ी सी लाइट रख के वो काम कीजिए तो आप आसानी से कर पाओगे, ठीक है, कहाँ पर प्रैक्टिकल होना है, कहाँ पर आपको इमोशनल होना है, वो चीज़ आपको समझनी है काम में, तो ही आप आगे सारे जो रास्ता है वो देख पाओगे, ठीक है। सो थोड़ी सी स्पिरिचुअल भी हो सकते हो, अपने इंट्यूशन को काम में लगा सकते हो कि स्ट्रेटेजी बनाओ कि हाँ मुझे ऐसे आगे बढ़नी है अपनी लाइफ में, ऐसे सारे काम को करनी है, ठीक है, उसके बाद इंट्यूशन की सुनो कि देखते हैं कि कौन सा काम होता है, तो ऐसे कुछ आपके थिंकिंग रख के आगे बढ़ो, आपकी सिचुएशन क्या है, तो मुझे तो ऐसा नहीं पता होगा ना, मुझे जो दिख रहा है तो मैं बता रही हूँ, आप अपने सिचुएशन के साथ देख लो कि आपको जो मैसेजेस मिल रहा है उससे आप क्या कर सकते हो, ठीक है। तो ये थी आपके लिए, आई होप मैं आपको कुछ क्लैरिटी दे पाई हूँ, तो यूनिवर्स को थैंक करना, और मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।